गुड इवनिंग सुसंध्या नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा एनटीपीसी एनजीआर सिंगरौली की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नुक्कड़ नाटक का शीर्षक है कबीरा खड़ा बाजार में और ये मशहूर लेखक भीष्म साहनी की एक मशहूर रचना है। इस नुक्कड़ नाटक के सभी पात्रों का यहाँ पे जो रोल करेगी ये हमारे संविदा कर्मी है और इस नुक्कड़ नाटक में ये एक महीने से करीब प्रैक्टिस कर रहे थे और आज ही अपना प्रदर्शन करेंगे। इस नुक्कड़ नाटक का मैंने निर्देशन किया है सुरेंद्र कुमार और इसके संकलन संचालन हमारे नीलेश कुमार और श्री पीछे हमारे जो लैपटॉप पे है ये शुक्ला जी है, ये चेतन शुक्ला जी, ये इन्होंने लैपटॉप से ये पीछे से ये संकलन करेंगे और मैं नीलेश से बोलना चाहूंगा। दोस्तों आओ दो पल जिंदगी से उधार लेते हैं, दोस्तों आओ दो पल जिंदगी से उधार लेते हैं, मायूस भरे चेहरों को मुस्कुराहट की एक सौगात देते हैं। उतार चढ़ाव की लकीरें तो जिंदगी के किताब में यूं ही बनी रहेगी। चलो बेफिक्री की कलम से सुकून की एक तस्वीर इसके पन्नों पे उभार देते हैं। तो दिल थाम के बैठिए जनाब, जश्न शाम का भी बाकी है। यहाँ पे आए सारे रिस्पेक्टेड चेयर्स का आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ए एब्सोल्युटली वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनिंग इवनिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर सो मेनी स्पेशल पीपल लाइक यू। तो एक बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति हमारे एनजीआर के संविदा कर्मी द्वारा किया गया है जिसका नाम है कबीरा खड़ा बाजार में। भीष्म साहनी की यह नाट्य कृति हानूस के बाद की गई है जिसका हिंदी रंगमंच पे व्यापक प्रशंसा हुई है। संक्षेप में कहें तो भीष्म साहनी की यह नाट्य कृति कबीर के मध्ययुगीन वातावरण में उसके पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भों को दर्शाता है। तो चलिए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस नाटक का। इन हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, इन हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम एमडीआर के कलाकार हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। थैंक यू, थैंक यू। चेतन गुरु गोविंद सो भये काकेला गुपाल, गुरु गोविंद सो भये काकेला गुपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता कबीरा, गोविंद दियो बता। नूरा, ए नूरा जी आई, अरे कबरुद्दीन आओ 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 भाई आओ आओ बैठो, बड़ी परेशान लग रहे हो। हाँ भाई बहुत परेशान हूँ। क्यों भाई? आज बाजार से जल्दी चला आया, सभी दुकानदार कहते हैं पहले का सामान बिका नहीं और माल लेके क्या करेंगे। कुछ तो कमाई की होगी भाई। एक फूटी कमाई नहीं हुई, सब कहते हैं तुम्हारा माल पुराना धरा हुआ है और माल लेके हम करें क्या, बाजार में मंदी छाई हुई है।
तो ठीक है, परेशान ना हो, थोड़ा पानी पी लो। सही कह रहे हो भाई, बाजार में तो मंदी है ये है। अच्छा ये बताओ, कबीरवा मिला रहा का, उसका माल उन कुछ बिका? आज तो बाजार जल्दी घर से निकल गया है। अरे तुम्हारा कबीरवा आपको दिया है। क्या बोल रहे? अच्छा ये मेरा माल है, पर अरे यार कबीरवा तुम्हें कहाँ मिला रहा, क्यों दिया तुम्हें ये माल? वो हमको कोतवाली चौराहे पे मिला था, कुछ लोग घेर गए। अच्छा क्यों? और संदेशा शाम तक जल्दी चला आएगा। अच्छा, अरे लेकिन वहां क्या कर रहा था, किसी से झगड़ा उगड़ा कर लिया क्या? कुछ नहीं, वही पुरानी बात, कुछ लोग उसकी बात सुन लेते हैं और कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं। बात तो सही है भाई, वो ऐसा है ये है, अगर किसी ने तुम्हारी शिकायत कोतवाल से कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बात सुन ली अपने पुत्र की करतूत। अरे कोतवाल तो ऐसा आदमी है कि वो जिंदा गाड़ देगा। मैं तो कहता हूँ अभी करवा दो, पैरों में जंजीर पड़ जाएंगे तो ठीक। अरे भैया मेरा कहाँ कोई सुनता है, कुछ कहो तो घर छोड़ करके भाग जाता है। दो बार तो मैं हरिद्वार से उसे पकड़ के लाया हूँ। सुन लो कबीर के अप्पू, इस बार मैं मेरा बेटा घर छोड़ के भागा ना, मैं इसी गंगा में कूद के जान दे दूंगी। हाँ हाँ तू तो चपर चपर बोले की जाएगी, तू भी तो उसे चढ़ा रखी है सर पे। हाँ अच्छा भाई मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई। अरे मेरा तो भाई आज उसी दिन फड़क रहा था जिस दिन तुम उसे गोद उठाकर लाई थी। मैं तो कहता हूँ कि अपना खून अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। लो तुम्हारा लाड साहब आ गया, अब तुम ही से समझाओ, मैं चलता हूँ अपने घर। आजा मेरे बेटे आजा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तू थक गया होगा ना। ठीक है भाई, बैठ जा बेटा, बैठ जा। बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से लेके आओ। ले बेटा तू खाना खा ले। ठीक है भाई। क्या ये बता तू आज सबसे झगड़ता लगाता क्यों रहता है कबीर? मैं कहाँ किसी से झगड़ता हूँ भाई, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से भैर। सुन बेटा तू सबसे मत लगा झगड़ा कह कर, समझा? तुझे पता है जमाना बड़ा खराब है। आज बाजार में सेठिया मस्त सो रहा था, हमने सोचा जगह का तो थान बेचने की बात करूंगा, तभी हमने देखा भाई दो कसाई ये गाय को लिए आए थे, उसके पीछे पीछे उसका बछड़ा भी जा रहा था, हमसे देखा नहीं गया भाई। तभी हमको एक कभी सूझी और हमने कह दिया, दिन भर रोजा रहत है रात थनत है गाय, या तो खूनो बंदगी कैसे खुशी खुदाए, कैसे खुशी खुदाए। आज बाजार में क्या हुआ था कभी? वही माँ बताया ना, वो सो रहा था, मैं थान बेचने की बात किया उसको। अच्छा 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 बेटा अच्छा, जाने दे कबीर, तू सबसे ना मत उलझा कर, तुझे पता है ये जमाना खराब है और ये काशी है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल। मैंने तो सुना है बेटा यहाँ का थानेदार भी कोतवाल मुसलमान है, मुसलमान तुझे जिंदा गड़वा देगा, जिंदा, समझा? ये तो छोड़ भाई, अब तू बता, अभी मैं बाजार से आ रहा था तो सुना बाबू कुछ कह रहे थे, अपने अपने होते हैं पराए पराए होते हैं। अरे बेटा नहीं तो तेरे बाजार के लेन देन की बात कर रहे थे। माँ छुपा मत, सही सही बता, क्या मैं किसी और की औलाद हूँ? नहीं बेटा तू मुझे छोड़ के चला जाएगा? नहीं माँ, तू तो मेरी जान है, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा।
अरे बेटा ये तेरा कुर्ता क्यों गीला है? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं तो इसके बारे में सबका भूल गया हूँ। अरे नहीं नहीं तू आ बैठ, मैं ये तेरे कुर्ते पे खून लगा है बेटा, तू बैठ मैं तेरे पे लेप लगा के लाके हूँ, बैठ। ठीक है जा लेके आओ तू, माँ को तो मेरे पीठ पर लगे घाव दिख जाते हैं लेकिन मेरा दिल जो अंदर से छलनी हुआ पड़ा है ये कोई नहीं देख पाता है। अगर ये सारा संसार झूठा है तो फिर सच क्या है मेरे मालिक, सच क्या है? पर्वतीय पर्वतीय मैं फिरा नैन गवाए रोए, तो बूटी पाव नहीं जाते जीवन होए, जाते जीवन होए। दुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए, जागे और रोए। काशी के कोतवाल पधार रहे हैं। अरे सिपाही हुजूर, ये क्या तहलका मचा के रखा है तूने? हुजूर अभी समय, अरे तू तो जल्दी करो। नमस्कार हुजूर। नमस्कार नमस्कार। लीजिए आपके लिए बनारस से मसूर पकौड़े लाए हो। लीजिए पकौड़े लाए हो कि और कुछ समाचार भी लाए हो? समाचार भी है हुजूर। बताओ क्या हुआ बताओ। हुजूर अखाड़े में महन जी पहुंच गए हैं और बहुत पहुंचे हुए आदमी है। अच्छा हाँ हुजूर। कहाँ से आ रहे हैं हुजूर? कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं और काशी राम साल में एक बार जरूर आते हैं। अच्छा अच्छा हाँ हुजूर। चलो तब वो कौन लोग हैं? हुजूर धर्म में तो सब हिंदू ही हैं लेकिन हिंदू में बहुत सी जातियां भी होती है हुजूर। तभी मैंने देखा, देखो काफी साफ सरा सज्जा की गई है उनके आने के उपलक्ष में। हाँ हुजूर वही मैं भी देख रहा हूँ। हाँ हुजूर राम 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 जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, राम 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 जय श्री राम, राम हुजूर ये माथे पर तिलक लगाए कौन जा रहा है? हुजूर वो पंडित जी है माथे पर तिलक लगा के जा रहे हैं। अरे ये भी लोग कहाँ जा रहे हैं इतने ढेर सारे लोग? हुजूर महन जी पहुँच गए हैं उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ हुजूर चलो ठीक है। हाँ हुजूर एक बात ये भी है। क्या? एक बार अखाड़े में उनकी बनती नहीं है। अच्छा अच्छा नहीं बनती? हाँ हुजूर एक बार तो वहाँ तोप भी चल गई थी। तोप चल गई थी? हाँ हुजूर। अच्छा हाँ लेकिन आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, मैं सब संभाल लूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं हुजूर कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। चलो चलो निकलो फिर। ठीक है हुजूर मैं चलता हूँ। चलो चलो ठीक है हुजूर। भाइयों आप लोगों ने सुना है महन जी बहुत पहुंचे हुए आदमी है। और हाँ महान जी सोने के बर्तन में खाना खाते हैं। वाह 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 वाह। और हाँ भाइयों महन जी का एक चीज और है, उनके पास 150 हाथी घोड़ा भी है। हाथी घोड़े भी क्या सोने के हैं? अरे चुप। और हाँ भाइयों महान जी अगर अपनी आंखों से किसी घूर के देख लेना तो वही भस्म हो जाता है। एक बार ललकार के देखो। अरे चुप बैठो वहां। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
अंत जी यहाँ पे मूर्ति उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप लोग के कल्याण के लिए आप लोग को भी दर्शन देंगे। आप लोग से अनुरोध है कि उनको छूने का कोई दुस्साहस ना करे। बोलिए हर हर महादेव। श्री श्री 8001 ठोंगारत महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। 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 हो शंभु शिव शंभु हर हर महादेव। हर हर महादेव। वाह 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 आनंद यति आनंद परमानंद। बालक भजन और कीर्तन शुरू किया जाए। मेरा मन है तेरे पास कृपा बनी रहे। महादेव की जय हो। महाराज की जय हो। बाबा आप भगवान हो? हाँ हम भगवान हैं। हाँ? नहीं बालक, हम तो तुम्हें भगवान से मिलाने का माध्यम है, माध्यम। इसलिए तुम मेरी सेवा करो, भगवान अवश्य मिलेंगे। महाराज की जय हो। बाबा हम आपके लिए धन लाए हैं, मगर मैं छोटी जाति का हूँ। शंभो शिव शंभो। बालक धन की कोई जाति नहीं होती, वो जिसके पास जाति उसकी हो जाती। महाराज की जय हो। हर हर महादेव। तुमको समझाने के बाद भी तुम उनको छूने का दुस्साहस किया। इसकी जान ले लोगे क्या? तुम कौन हो फिर से पढ़ने वाले? मैं जो हूँ से हूँ, इसकी जान ले लोगे? भागो यहाँ से तुम। वो नहीं तो तुम ही सही। आज तो तुमको छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार अगर सामने आए तुम्हारी जान ले लूंगा। हम वो दिखाए गए हैं जो तुम लोग घूर के देख रहे, तो सब के सब खत्म हो जाओ। शंभो शिव शंभो हर हर महादेव। अरे आइए महान जी, आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ। अरे हमने सुना है आप तो बहुत पहुंचे हुए महंत हैं, आपकी चर्चा तक दूर दूर तक है, फिर आप मुझ जैसे आदमी के पास कैसे? साहिब आज आपने मेरी बात सुनी, हम आपके बड़े आभारी हैं साहिब। अच्छा अच्छा, आपके लिए लाए हैं। अरे महंत जी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत थी साहिब, जरूरत थी, आपके लिए यहाँ बड़े प्रेम से लाए हैं। चलो ठीक है। अच्छा सिपाही साहिब आपसे एक अनुरोध और है कि आपको तो पता ही है कि मट्टी जमीन हमारे नाम हो चुकी है। अच्छा अच्छा साहिब, उस मट्टी जमीन के सामने छोटी जात की बस्ती है, कृपया उसको हटा दें। क्या वो शूद्र लोग हैं? हाँ वही समझिए। अच्छा अच्छा भाई, बस भाई हुजूर कहाँ सोता रहता है? नहीं हुजूर यहीं पे हूँ। इधर आओ इधर आओ। वह कौन लोग हैं? अच्छा हुजूर वहां पे? हाँ हुजूर वो डोबे की बस्ती है और सब लोग बंगाल का है, लेकिन किसी किसी ने इस्लाम जाति अपना ली है। क्या तीन धर्म अपना लिया है? महंत जी आपके काम में थोड़ा समय लगेगा,
जी जरूर। जैसे ही आपका काम हो जाता है तो हम सूचना पहुंचवा देंगे आपके पास। जी जरूर साहेब, जरूर जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरे आइए मौलवी जी, आइए, इतना दूरी नहीं बनाइए मौलवी जी। शिव शंभो। आइए आइए मौलवी जी, आइए, तशरीफ लाइए। आप भी बड़े परेशान दिख रहे हैं आप मौलवी जी हमको। हजूर मैं परेशान क्यों ना हूँ, आप शहर के कोतवाल हैं और आपके कानों में कोई खबर है शहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए, सब सुने, खुलकर बोलिए। हुजूर कबीरा, हुजूर कबीरा। अच्छा अच्छा, कबीर नाम के जुल्हा ने हमें नाको दम कर रखा है, जो नाको दम कर रखा है। अच्छा? उसने हमारे धर्म को तौहीन कर रखा है। क्या वो हमारे दीन धर्म की भी तौहीन करता है? जी हुजूर जी, वो जहाँ खड़ा हो जाता है वहीं मजमा इकट्ठा कर लेता है, अपने दोहे गाने लगता है। और जानते हैं लोग क्या कहते हैं कि यहाँ के कोतवाल कुछ नहीं करेगा? क्यों समझते हैं मेरे बारे में फिर? क्योंकि यहाँ का राजा हिंदू है। अच्छा अच्छा, कुछ कीजिए हजूर, कुछ कीजिए, मेरे धर्म को तहस नहस कर रखा है हजूर, तहस नहस कर रखा है। ठीक है ठीक है, आपकी समस्या भी हम पूरी करते हैं, पूरी करते हैं। ठीक है हजूर। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, गाँव में कबीरा के दुआ मुझे कुछ तो दे दे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल्ला गए अति दूर। क्या कबीर है? नहीं हुजूर नहीं, ये कबीर नहीं। फिर यह कौन है? कोई अंधा भिखारी है हुजूर। सिपाही, सिपाही हुजूर, जल्दी से पकड़ के लाओ अंधे भिखारी को। जी हुजूर। दे दे बाबा तो दे दे रंधा के। अरे अंधे भिखारी, हाँ चल। आप कौन भाई बाप? चल कोतवाल साहब पकड़ तुझे। भाई बाप कहाँ? हेलो अभी साहब, माई बाप ये बताओ। जी जी माई बाप, जो तुम अभी गाना गा रहे थे। जी माई बाप, क्या तुमको पहले से याद था? नहीं माई बाप, नहीं नहीं नहीं, मेरा कभी कभी नहीं याद किया प्रभु, ये तो कबीरा ने गाया था तो मुझे एक दो बार कंठस्थ हो गया था। सुनाओ अगर कुछ नया याद है तो। माई बाप डर के मारे कुछ बोलती नहीं निकल रही हुजूर, तब याद हो गया आप। अरे कुछ नहीं देंगे, बोलो बोलो। नहीं माई बाप, नहीं नहीं नहीं, चलो सुनाओ। अच्छा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के हो, कबीरा दुख काहे के हो। माई बाप। अच्छा याद है माई बाप। ये लो जाओ यहाँ से। अल्लाह रहमत दे, बरकत दे बाबा, बरकत दे बरकत। माई बाप हुजूर, इस अंधे भिखारी को 500 मारो। हुजूर, हजूर इस अंधे को 5 मारने के लिए क्यों कहे? नहीं समझ में आया है आपको? नहीं हुजूर। अब मैं बताता हूँ हमने इसको क्यों 5 मारने की सजा दी है। क्यों हुजूर? अगर मैं कबीर को मारता। जी जी, कबीर के पसंदीदा लोग बहुत से लोग हैं। ये तो बात है सर, और सबको बुरा लगेगा। जी हुजूर जी, इसलिए हमने उस अंधे भिखारी को 5 मारने की सजा दी है। बहुत बढ़िया हुजूर, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल जाएगी। बाजूर वाह, बस कोई भी उसका गाना नहीं गाएगा। बाजूर क्या हुआ सिपाही, परेशान दिख रहे हो। एक कांड हो गया हुजूर। अब क्या कांड हो गया? वो अंधा भिखारी 4 में अपनी जान दे दिया। तेरे शरीर तो देख के लगता नहीं कि वो 4 में दम तोड़ देगा। ऐसा नहीं हुजूर। अच्छा, उसने सही में अपनी जान दे दी 4 में। तुम क्या क्या करते रहते हो? जी हुजूर,
अच्छा सुनो हुजूर, सभी सरकारी आदमियों को अपने साथ ले जाओ और उसकी लाश उसके घर पहुंचवा दो। जी हुजूर। जिससे पूरे गांव में भी दहशत और फैल जाएगी। जल्दी से करके आओ। जी हुजूर। जी हुजूर। चलिए हुजूर। अरे पोथी पर जग हुआ पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पढ़े सो पंडित होए। कबीर ओ कबीर, अरे कबीर आओ। क्या हुआ रंगदास जी? अरे वो अंधा भिखारी उसकी लाश ला रहे हैं। क्या? वो अंधा भिखारी तुम्हारी दोहे गा रहा था, कोतवाल के सिपाही उसे घोड़े मारे उसकी मौत हो गई। ये क्या बोल रहे हैं रविदास जी आप? अरे उसकी माँ भी तो अंधी थी ना, कहती थी जब से मेरा बेटा कबीर तुम्हारे दोहे गाने लगा है भीड़ इकट्ठा कर लेता है, लोग उसको कुछ पैसे दे देते थे, घर का चूल्हा जल जाता था। एक काम करिए रविदास जी, जाइए गांव में जाकर के सबको बोल दीजिए आज के बाद कबीर के दोहे कोई नहीं गाएगा, वरना कोतवाल के लोग उन्हें भी मार देंगे। मगर ये तो कोई उपाय नहीं हुआ। सही कह रहे हैं आप, एक काम करता हूँ मैं ही आज से गली गली बाजारों में मोहल्ले में जाकर के अपने कबीर गाऊंगा और सत्संग लगाऊंगा, चाहे तो कोतवाल के लोग मुझे मार लें। अच्छा ठीक है कबीर, मैं चलता हूँ। ठीक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब, बहुरी करोगे कब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लो महाराज जी आ गए, आज किसका ध्यान लेने निकले हैं? अगर मैं उस दिन सही समय पर नहीं पहुंचा होता, आपने उस बालक की जान ले ली थी। तू उस दिन की बात भूल गया क्या? लगता है तू अपनी जान गवा कहीं मानेगा। इतने दिनों की काशी में लूटपाट रहने वाली है आपकी। चुप कर, अपना मुंह बंद कर। लो मौलवी साहब आ गए। कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब? नमाज का वक्त है, आप तुमसे बात करने का समय नहीं है मेरे पास। खुदा को अजान देके जगाने की जरूरत नहीं है, वह सब सुनते हैं। टीटी के पग नेवर बाजे तो भी साहब सुनता है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचरी मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? कबीर, अरे कबीर कहाँ हो? क्या हुआ रविदास जी? अरे तेरे घर में आग लग गई। क्या? कपड़े निकालते वक्त तेरे पिताजी के हाथ भी जल गए। मैं जानता हूँ ये किसकी देन है, जरूर कोतवाल के सिपाहियों ने गए होंगे और हमारा घर जलाया है। एक काम करिए रविदास जी, आप लोग यहाँ बैठ के सत्संग लगाए रखिए, वरना कल से हमें यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। मैं जा रहा हूँ। दुख के सब साथी दुख में ना को, मेरे राम सुख के सब साथी दुख में ना को, मेरे राम। कबीर ओ कबीर, कहाँ हो कबीर? अच्छा यहाँ बैठे हो कबीर। कहिए हुकुम। मुझे तुमसे कुछ बात करना था कबीर। बताइए हुकुम। कबीर अपने विलक्षण प्रतिभा को पहचानो, अभी तो तुम्हारे कविता सिखाने के वो है, तुम कविता सिखाओ भी, इधर उधर घूमते कोई वो नहीं है। हुकुम अगर मैंने कबीर सिखाना चालू कर दिया तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके कपड़ों पर दाग लगे, मैं तो इंसान को दूसरे इंसान से प्रेम करना सिखाता हूँ। मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ कबीर, आगे तुम्हारी इच्छा है, लेकिन हाँ एक बात तुमको जरूर बताऊंगा,
दिल्ली से बादशाह सिकंदर आ रहे हैं और किसी वक्त काशी धाम पहुंचेंगे। तुम्हारे यहाँ रहने से समस्या भी हो सकती है। मैं तो कहूंगा कि कुछ दिन के लिए तुम सत्संग लगाना छोड़ दो। नहीं 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 हुकुम नहीं, सत्संग तो लगेगा। मैं खुद गली मोहल्ले बाजार चौराहे में जाकर के अपने सत्संग लगाऊंगा और तबीत गाऊंगा। सत्संग बंद नहीं होगा। तबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर फूटे आपना, चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। ठीक है कबीर, मेरा तो काम समझाना था, आगे तुम्हारी इच्छा है। लेकिन हाँ कबीर, मेरा बात को याद रखना जरूर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलता हूँ कबीर। ठीक है हुजूर। नमस्कार हुजूर। आप क्या लेके आए हो? आपके लिए खबर लाया हूँ। खबर ही लाए हो? हाँ हुजूर। बताओ 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 हुजूर। कबीर दास को मैं समझाने के लिए गया था। हाँ। लेकिन कबीर दास मान नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, और उसको तो मना करने के बाद भी वो नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है? नहीं, वो फिर से सत्संग लगाना चालू कर दिया है। अच्छा। लेकिन हाँ हुजूर, दिल्ली से बादशाह सिकंदर भी आ रहे हैं, आगे आप देख लीजिए। देखता हूँ देखता हूँ, तुम चलो। ठीक है हुजूर, हम चलते हैं। ठीक। सिपाही हुजूर। सिपाही हुजूर। चले हुजूर। चलो। जी हुजूर। कबीरा, ओ कबीरा। जी हुजूर। तू सत्संग लगाना यहाँ से छोड़ दे। नहीं हुजूर नहीं, मैं सत्संग लगाता हूँ, एक दूसरे को आपस में प्रेम करना सिखाता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ कबीरा, तू सत्संग लगाना छोड़ दे। नहीं, सत्संग लगेगा। सिपाही हुजूर, ये हमारी बात नहीं मान रहा है। तो क्या किया जाए हुजूर? आज तू ही बता दे क्या किया जाए। जेल में डाल दे क्या? आज तेरा दिमाग खुल गया। जी हुजूर। ले चल सकता है उसे। जाओ जाओ ले चल। लो लो अरे सिपाही। हुजूर हुजूर, तू कहाँ चला जाता है रह रह के? हुजूर एक खबर पता चली अभी। क्या हुआ बताओ? कि बादशाह सलामत बिहार से चल दिए हैं। बिहार से चल दिए हैं? जी हुजूर। फिर? और एक उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है। क्या जाहिर किया? तू भी बता दे अब। कि वो कबीर दास से मिलना चाह रहे। क्या? जी हुजूर, कबीर दास। अरे हमने तो अभी उसको बंद किया है। बंद कर दिया हुजूर। कुछ गलत हो गया। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा? जी हुजूर। और दिया जाए? जी हुजूर। चल छोड़ दे छह लोग को जल्दी। यार टेंशन बना रहता है, तुम यार कुछ नहीं। चलो जी। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंद मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोय, मैं रौंदूंगा तोय। मां मुलायजा होशियार, बादशाह सिकंदर पधार रहे हैं। ए सिपाही हुजूर, पधार लिए हैं। चले हुजूर। चला जाए। चलिए हुजूर। चलो चलिए। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अरे हुजूर, ये कबीर का सत्संग चल रहा है हुजूर। लाओ से, हम उसे मिलना चाहते हैं। जी हजूर, अभी बुलाता हूँ हजूर। ये कबीर, चल बादशाह सलामत उसे मिलना चाहते हैं। चल। जी हुजूर। तो तू है कबीर? तुम्हारा नाम हमने बहुत सुना है, हम तुमसे मिलना चाहते थे। इधर सड़क के किनारे तुम क्या करते हो कबीर? ऊपर वाले का नाम ले रहे थे। तुम्हें इबादत के लिए कहीं और जगह नहीं मिली? सड़क के किनारे तो भिखंगे बैठते हैं। हाँ हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। आजकल सूफियों दरवेशियों और फकीरों का दायरा बढ़ने लगा है। तुम हमारे यहाँ दिल्ली आओ, हम तुम्हारी मुलाकात अपने पीर शेख तरकी साहब से कराएंगे।
हमें इनकी गुफ्तगु सुन के बड़ा मजा आता है। सिर्फ दरवेशी ही करते हो या कोई काम धंधा भी? मैं जो ना हुजूर कपड़े बुनता हूँ। अरे मेरे संगी साथी हैं। अच्छा तो तुम फकीर नहीं हो? नहीं। हमें लगा तुम फकीर होगे, फतुल्ला की इबादत करते हो, हमें लगा फकीर होगे। अगर ये तुम्हारे कपड़े देखे तो नहीं लगता कि तुम जुल्हा हो। यही तो खूबी होती है मालिक जुल्हों में, कपड़े बुनते हैं, लोगों को कपड़े पहनाते हैं, हमें कितने भी नसीब हो जाए तो बड़ी गनीमत है। ये तो अपने अपने तकदीर की बात है। तकदीर से जन्नत भी मिलता है और नर्क भी। ये चीतड़े भी मिलते हैं और ये मोतियों के हार भी। तो कबीर मुस्कुरा क्यों रहा है? अमीर खुसरो साहब की एक बात याद आ गई। आपने तो उनका नाम जरूर सुना होगा। बेशक। उन्होंने एक बार अपने बादशाह सलामत के गले में मोतियों की माला देकर फरमाया था, गरीबों के आंसू मोतियां बनकर बादशाह के गले में चमकते हैं। मतलब आप जिस फकीरी की बात कर रहे हैं वो जरूर एक धंधा ही है, लेकिन मेरी फकीरी में घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी हम बिहार में फतेह करके लौटे हैं तो क्या छोटी बात है? यह खुदा की खिदमत नहीं? नहीं, जंग इबादत नहीं है, इंसान की खिदमत करना ही खुदा की इबादत है। बोल तेरा मजहब क्या है? मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत है, खुदा की बंदगी है। मैं उस खुदा से मोहब्बत करता हूँ जो हर इंसान के दिलों में बसता है। पर तेरा भी तो कोई धर्म होगा जिसकी तू इबादत करता होगा। मेरा परवरदिगार तो मेरे साथ चारों तरफ मौजूद है, ना ही वो मंदिर में है ना ही वो मस्जिद में है, वो तो हर इंसान के दिलों में बसता है। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे तेरा दिल दिल लगा कोई जन्नत हो। जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है मेरा दिल, क्योंकि मेरे दिल में मेरा मालिक बसता है। बिना जतन मिलता है। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। मुझे कहा ढूंढे, ना पिए तुम्हें ना मूरत में, ना एक निवास में। मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे के दास में। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढे प्राणी। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी सूफिया, वो भी मुसलमान है। लगता है आपने दिन को नहीं मानता। तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारी मुलाकात अपने पीर से तरकी साहब से कराएंगे। मेरा वहाँ क्या काम है बादशाह सलामत, मुझे तो अपने मालिक के चरणों तक जाना है, एक इंसान को दूसरे इंसान के दिलों तक पहुँचाना है। सुन फकीर, मैं आखिर बार पूछता हूँ, तू हिंदू है या मुसलमान? वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मानंद कहिए, कौन हिंदू कौन तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए, एक जमी पर रहिए। और इस प्राणी को इस जगह से निकाल दो। जी हजूर। कहाँ कहाँ से निकालोगे साहेब, कहाँ कहाँ से निकालोगे? मेरा मालिक तो मेरे साथ हर जगह मौजूद है, ना ही वो मंदिर में है ना ही वो मस्जिद में है। और अब यह बात तो सारे लोग समझ चुके हैं, फिर कहाँ कहाँ से निकालोगे, कहाँ कहाँ से निकालोगे।
नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंती हो, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारी एमजीआर टीम के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।